कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बहुत बड़ी खबर। आईएमए ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ही विकल्प है। संक्रमण रोकने के लिए अभी लिए जा रहे फैसले काफी नहीं, ये आईएमए की तरफ से कहा गया है। राज्यों के लॉकडाउन लगाने से बात जो है वो नहीं बनी। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब अलग अलग राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन का विकल्प क्यों नहीं अख्तियार किया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसने ये साफ तौर पर कहा कि अगर कोरोना पर ब्रेक लगानी है, कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी है, पूरे देश के लिए जरूरी है, और ऐसे में राज्यों की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उससे आगे बढ़ते हुए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इस लॉकडाउन की जरूरत नजर आती है। और सुमित का रुख कर लेते हैं, उनके पास कोई बड़ी खबर है। सुमित, क्या बड़ी खबर वहां से? जी बिल्कुल अनुराग, एक इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। दिल्ली में चौथी बार बढ़ाया गया है ये लॉकडाउन। दिल्ली में कल से मेट्रो सेवा बंद रहेगी और 17 मई तक लॉकडाउन के दौरान मेट्रो नहीं चलेगी। ये एक तरह से बड़ा ऐलान करीब 12 बजे के आसपास दिल्ली सुनवाते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आखिरकार। कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है, अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है, अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में, सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरी वश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है क्योंकि मामलों में कमी आई है। ऐसे में सरकार ने एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया है। इस बीच दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जो हैं वो भी नहीं मिलेंगी, यानी मेट्रो बंद रहेगा। और मेट्रो ने बाकायदा इसके लिए आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि भी कर दी है। तो दिल्ली में पहले कर्फ्यू से शुरुआत की गई, हालांकि तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि उम्मीद कीजिए कि एक हफ्ते से ज्यादा उसे बढ़ाना नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है, लॉकडाउन बढ़ाया गया और अगले एक हफ्ते और लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में रहेगा। हालांकि इसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिले, जहां पहले 23,000-24,000 मामले सामने आ रहे थे, अब 13,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए।